महंगाई की दौड़ में मुर्गी और अंडे सबसे आगे हैं। ब्रॉयलर गोश्त एक ही रोज़ में 13 रुपये किलो महंगा कर दिया गया है। रेट 615 रुपये किलो हो गया है और फार्मी अंडे तारीख में पहली मर्तबा 400 रुपये फ़ी दर्जन हो गए हैं। मार्केट में प्याज 200 से 220 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, सूरत हाल है रोज की बुनियादों पर हम देख रहे हैं कि महंगाई की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। हर चीज के नर्ख जो है आसमान से बातें करते दिखाई देते हैं, ख्वाह वो सब्जी हो, वो चिकन हो, वो अंडे हो, कोई भी चीज हो, हर चीज की जो कीमत है वो आसमान से बातें करते दिखाई देती है। हम बात करते चले अंडों की फी दर्जन कीमत में इजाफे के बाद 400 रुपए फी दर्जन अंडे की कीमतें जो है वो जा पहुंची है। उसके अलावा अगर हम बात करते चले सब्जी की तो सब्जी मार्केट में भी तेजी जारी है। प्याज की सरकारी निर्ख जो 185 रुपए किलो मुकर्रर कर दिए गए हैं। मार्केट रेट में प्याज 200 से 220 रुपए किलो जो है फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर का सरकारी रेट जो है 130 मुकर्रर, जबकि मार्केट में टमाटर 150 से 160 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। उसके अलावा आलू का सरकारी निर्ख जो है 50 रुपए, जबकि मार्केट में 70 रुपए किलो तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन और अदरक 600 रुपए में बेचा जा रहा है। फूल गोभी 150 और बंद गोभी 120 रुपए में जो है फरोख्त की जा रही है। अरबी 200 और मटर 300 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। साग, शलजम, पालक और मूली जो है उसकी उनके भी रेट में हमें रोज बरोज की बुनियाद पर इजाफा देखने में आ रहा है। और मार्केट के अंदर जो है महंगाई माफिया भी सरगर्म नजर आता है। जहां पर कीमतें मार्केट में प्राइस ऊपर की जाती है, वहां पर जो महंगाई माफिया है वो मार्केट के अंदर कीमतों का मजीद जो है ऊपर अपना मुनाफा रख के सेल करते हैं, जिसका सारा बोझ जो है वो आवाम पर पड़ता है। तो देखना ये कि कितने जल्दी इस बात पे एक्शन लिया जाएगा। फूड पर जो फूड मजिस्ट्रेट्स होते हैं जो कि तमाम सर्वेलेंस करते हैं वो भी हमें गायब नजर आते हैं। तो देखना ये किस हद तक महंगाई पर काबू पाया जाएगा और कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार की जाएगी कि जो सरकारी निर्ख है मार्केट के अंदर उन्हीं निर्खों के ऊपर जो है चीजें फरोख की जाए, ताकि शहरियों को कम अज कम इस महंगाई के दौर में कुछ रिलीफ जो है वो हासिल हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया।